feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight. हमारा होटल जहाँ पे हम रुके हुए हैं रोज गार्डन, वहाँ से ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर के दूरी पर है। तो हम अभी पहुँच चुके हैं, जस्ट गेट पर खड़े हैं। दिस इज द टिकट चेक पॉइंट और टिकट भी हमें मिल चुका है। सबसे मज़ेदार बात यह है, टिकट का प्राइस है 30,000 डॉन और कोविड की वजह से यहाँ पे भी 50% डिस्काउंट चल रहा है। तो 1% टिकट इज कॉस्टिंग अराउंड 15,000 VND। सो हम पहुंच चुके हैं कैंप थैंग कोकोनट विलेज। यहाँ पे हर घर पर हर घर के सामने एक एक ये रिवर का जो है, ये रिवर का स्ट्रीम हर घर के पीछे तरफ खुलती है। तो किसी भी घर से किसी से भी आप ये टूर ले सकते हैं। सो वी आर ऑल सेट टू गो फॉर दिस बास्केट बोट टूर। एंड यहाँ पे थोड़ा सा आपको बार्गेनिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं दो चीज़ कहना चाहती हूँ, ये जो बास्केट बोट टूर है ये आप दो तरफ से ले सकते हैं। एक तो आप ग्रुप टूर कर सकते हैं, ग्रुप टूर इज़ कॉस्टिंग यू अराउंड 350 to 450 VND पर पर्सन। इसमें आपको एक कुकिंग क्लास भी मिलेगा और वेलकम ड्रिंक, लंच और बास्केट बोट टूर ये पूरा मिलेगा। अदरवाइज़ एक टूर और है जिसमें आप लोकल फिशरमैन्स के साथ जाकर जिसमें आप लोकल फिशरमैन के साथ जाकर फ़िशिंग देख सकते हैं। आके वही वाला जो फिशिंग आप करेंगे वही आपको पका के वो लोग खिलाएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ नंबर टू। नंबर थ्री जिसको हमने ऑप्ट किया, दैट इज़ द प्राइवेट टूर। हमें ये कुकिंग क्लास वगैरह अटेंड नहीं करना था, दिस इज़ आर पर्सनल चॉइस। इसीलिए हम खुद आए, बाइक जो हमने कल रेंट में लिया था वही बाइक से हम यहाँ पर खुद आए। खुद आके ये मैडम से बार्गेन करके हमने ये बास्केटबोट टूर लिया है। सो बास्केटबोट टूर के लिए आपको काफ़ी बार्गेन करना पड़ेगा। यहाँ पे ये लोग स्टार्ट करते हैं 300,000 VND से, जिसको हमने बार्गेन करके 120,000 VND फॉर 40 मिनट्स के लिए लिया है। पता नहीं जितना धूप दिख रहा है, ये टोकरी मिला है धूप से बचने के लिए, वियतनामीज टोपी, और 40 मिनट्स के लिए 120,000 VND में हमने ये टूर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी बजा है 8:37 इन द मॉर्निंग, सो लेट्स गो। ये सारा घर है जहाँ से सबके पास से आपको ये बास्केट बोट मिल जाएगा। सबके पास से ये बास्केट बोट आपको मिल जाएगा, तो आप किसी से भी बार्गेन करके ले सकते हैं। और वो जो मैं बोल रही थी कुकिंग क्लास वगैरह, कोकोनट विलेज का जो ग्रुप टूर होता है वो ऑलमोस्ट 4 आवर्स का होता है। 8:30 बजे आपको लेकर चले गए
मतलब होटल से पिकअप करके और होटल में ड्रॉप करेंगे ऑलमोस्ट 12:30-1 बजे तक। Fishing, they are fishing. Fish. Trash. Pick. Oh, trash. बहुत घूम लिया बट इट वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस, बहुत बहुत सुंदर था एक्सपीरियंस। सो बोट टूर, बास्केट बोट टूर हमारा कंप्लीट हो चुका है और पता ही नहीं चला कैसे 40 मिनट्स गुजर गया। मतलब दिस प्लेस इज़ अमेजिंग, अगर आप होयान में हो तो इसको स्किप मत करिए, दिस इज़ रियली रियली गुड, यू विल एन्जॉय अ लॉट। क्योंकि बोट के मतलब ये जो पूरा पानी का रिवर का जो स्ट्रीम है इसके आगे लेके जाके आपको बोट का डांस दिखाएगा, मुझे तो डांस करने का मौका भी मिला। इट वॉज़ अमेजिंग अमेजिंग ट्रिप, मुझे बहुत अच्छा लगा। और 120,000 VND जो ले रहे हैं 40 मिनट्स के लिए, एब्सोल्युटली वर्थ इट। अभी हम आए हैं एंग बैंग बीच विच इज़ अ वेरी फेमस बीच इन होयान, तो अभी हम चलेंगे एंग बैंग बीच में। बट बाहर का धूप देखिए, बहुत ज़्यादा धूप है आज, बहुत गर्मी भी लग रहा है, बट क्या करेंगे, घूमने आए हैं इतना तो मतलब बेयर करना ही पड़ेगा। चलिए बीच में चलते हैं। मेरे पीछे दिख रहा है आपको एंग बैंग बीच विच इज़ वेरी वेरी नाइस। वाओ, लोग नहा भी रहे हैं इस बीच में, आराम से टैन हो रहे हैं, बट हम तो ऐसे ही टैन हैं और क्या टैन होंगे। तो जितने भी फॉरेनर्स आए हैं, मतलब फॉरेनर्स तो हम भी हैं, मतलब जितने भी गोरे फॉरेनर्स आए हैं सारे अपने आप को टैन कर रहे हैं देखिए, बट हम तो नहीं कर सकते क्योंकि हम तो ऐसे ही टैन है भैया। बट आई मस्ट से वन थिंग, बहुत बहुत सुंदर है ये बीच। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एकदम नीट एंड क्लीन, आपको दूर दूर तक कहीं पे कुछ भी कचरा नहीं दिखेगा और पानी भी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, बहुत साफ है, बहुत सुंदर है। और वहाँ पे देखिए पूरा दानांग सिटी दिख रहा है आपको,